दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर 12 फरवरी से वाहन जा सकेंगे। गुरुग्राम के अलीपुर गांव से राजस्थान के दौसा के बीच 220 किलोमीटर का हाईवे बनकर तैयार हो गया है। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनने के बाद दिल्ली से मुंबई का सफर कार से महज 12 घंटे के अंदर पूरा होगा, जबकि अभी मुंबई कार से पहुंचने में 24 घंटे का समय लगता है। आपको बता दें कि साथ ही साथ पहले चरण में अलीपुर से दौसा तक 220 किलोमीटर की सड़क बनकर तैयार हो गई है। अभी दिल्ली से दौसा तक पहुंचने में 6 घंटे तक का समय लगता है, लेकिन 12 फरवरी के बाद महज 2.5 घंटे के अंदर दौसा और 2 घंटे के अंदर दिल्ली से जयपुर पहुंचा जा सकेगा। अगले साल 2024 तक इस प्रोजेक्ट की पूरा होने की उम्मीद है। उसके बाद दिल्ली से मुंबई 1380 किलोमीटर का सफर भी कार से महज 12 घंटे के अंदर पूरा किया जा सकेगा। बता दें कि दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चलेंगे। साथ ही ये 8 लेन का होगा, जिसको समयानुसार 12 लेन का भी किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस एक्सप्रेसवे पर रेस्टोरेंट, रेस्ट रूम, शॉपिंग मॉल, होटल के अलावा अन्य सुविधाएं होंगी। हरियाणा की सीमा में पड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे का अधिकांश काम पूरा हो चुका है, जिस पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, क्योंकि अभी दिल्ली से जयपुर या फिर मुंबई तक जाने के लिए इस हाईवे का प्रयोग किया जाता है। एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगने वाले जाम से भी निजात मिल जाएगी।